अमरदेव विचार करने लगे, थोड़ा बहुत चल लेते सो नींद और आ गई। ब्राह्मण देव उठकर चले हैं तो देखे कि हम सोए तो दूसरी बगिया में थे, लेकिन ये तो दूसरी बगिया है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, माली भैया जे कौन सा गांव है, कौन सा नगर है? द्वारिका छे भैया। ओ भगवान कन्हैया कहाँ रहते हैं? भगवान कन्हैया हाँ द्वारिका छे में रहते हैं, द्वारिका छे। लेकिन मुझे तो एक द्वारिका में जाना है। पंडित जी हमको मालूम पड़ता है कि तुम यूपी प्रांत के हो, बच्चे गुजरात प्रांत है। सही बात है, तुम्हारे यूपी में है और यहाँ पर अच्छे बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो ये द्वारिका नगरी है? बिल्कुल, यही द्वारिका है जहाँ में कन्हैया राज करता है। कन्हैया का महल कहाँ है? कन्हैया के महल जो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत सीधी रास्ता, बिल्कुल सीधे महल दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया ही गए। ब्राह्मण देवता भगवान कन्हैया के महलों में पहुंचे सो दाऊ भैया बैठे मिले गए। जे कई कन्हैया कहाँ मिलेंगे? दाऊ भैया ने कहा, आओ ब्राह्मण देव, से आए हो? बोले हमें कन्हैया से मिलना है और हम कुंदनपुर से आए हैं। तो दाऊ भैया ने कहा, कुछ होगा अपना आपसी लेन देन का मैटर, जाओ वो बैठा है सामने भगवान कन्हैया। तो जैसे ही देखा पंडित जी ने, ये कई मच्छा मोड़ी ठगी गई, जब कारे करूटे पे मरी है। बिल्कुल देखो जी, लग रहा हो जैसे वो सड़क पर डामर फैलाए देते हैं। सोई माले पर जल लग रहा है, डामर हो तुम्हारे के सामने करिया डामर हो। तब तक भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव के मन की बात समझ गए। भगवान कन्हैया ने एक तिरछी सी मुस्कान मारी है। ब्राह्मण देव कहने लगे, नहीं कन्हैया काला नहीं है, कन्हैया दिल वाला है, तो बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। और भगवान कन्हैया के पास गए, बोले भगवान कन्हैया, अरे कन्हैया जे हम पत्र लेकर आए हैं। पत्र? हाँ, कहाँ से? कुंदनपुर से। कुंदनपुर और क्या कहा है? पत्र रुक्मिणी का पत्र है और वो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है। हमारे साथ और रुक्मिणी, और हमें जानता हूँ ना एक और रुक्मिणी है। हाय क्या कह रहे हो तुम कन्हैया? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, तुम्हारे पीछे मोड़ी माँ जेरु खाए के मरी जा रही है और तुम कह रहे हो हमें जानता ना है। पंडित जी पूरा मामला समझाओ हमें। महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी, उसका पत्र लेकर आया हूँ, उसका भाई रुकुम उसकी शादी अपने साले से सुपाल के साथ कर रहा है। तो रुक्मिणी तुम्हारे प्रेम की दीवानी है और रो रो कर मरी जा रही है, कह रही अगर भगवान कन्हैया नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पंडित जी हाँ, ये तो कह रहे गलत है रहो है। तभी तो कह रहे हैं इस अन्याय को बचा लो प्रभु, तुम्हारे चरण छूता हूँ। चलो तुम ज्यादा कह रहे हो, तो हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनो। बताओ, हमारे ताऊ भैया है ना? हाँ, वे हमें घर तक कहूँ जान ना देता है। जैसे ही तुम घर तक चलो तैसे ही तुम बहाने बनाने लगी हो। कैसे? जैसे ही घर तक निकलो तैसे ही खांसन लगी हो। कल लगी हो दैया मैया, रे मरी गए बुखार हुआ, बुखार मरे जाते खांसी के मारे, कुकर खांसी है। सो ये बताओ भैया, देखे के ब्राह्मण बूढ़ो है, भैया हमें आदेश दो, हमें छोड़ आए। भगवान कन्हैया कहने लगे, जे ही एक जुगाड़ है यहाँ से निकलने की और कोई जुगाड़ नहीं। तो थोड़ी दूर ब्राह्मण देव चले हैं और थोड़ी ही दूर चल के जैसे ही दाऊ भैया का सामना हुआ है और एकदम खांस के बैठ बैठे मरी गए कुकर खोल जन का हो जे। अरे 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 पानी बुलवा ब्राह्मण देव। अरे बैठो बैठो आराम से बैठो 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 भाजी मर ये जाता है। रुक जा
अब नेका दी आराम दो। भगवान कन्हैया बोले दाऊ भैया ब्राह्मण मूढ़ो है, अगर जी मरेगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी जाके भैया हमें आज्ञा दे दो तो हम इनको गांव के बाहर तक छोड़े। दाऊ भैया कहने लगे छोड़िया, लेकिन एक बात ध्यान रखियो कन्हैया, रास्ता में कोई गोपियां या ग्वालिनियां मिले काऊ की तरफ देखियो मत, और ब्राह्मण देव को छोड़ के तुरंत वापस आओ। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारे सब भैया हम काऊ को ना देखेंगे, तुम एक बार भेज तो दे। आज चार घोड़ाओं वाला रथ लेकर भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता से कहा महाराज बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता ने कही कैसे बैठे, बैठो ना जानते। तो भगवान कन्हैया ने उन रथ को आदेश दिया और घोड़ा एकदम आकाश मार्ग में उड़ने लगे। पंडित जी के पेट में पानी है गो, पंडित जी कह रहे भगवान कन्हैया रथ नीचे ना चलेगा। पंडित जी जब बताओ तुमने कभी सिनेमा देखो है? सिनेमा हमने कोई सिनेमा नहीं देखा है। तो ऐसा करो आंखें बंद करो, आज हम तुम्हें सिनेमा दिखाइए सिनेमा। जैसे ही वो रथ आकाश में उड़ा है तो पंडित जी सोचने लगे अरे 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 उड़ेगा रहू रे पहुंच गए उड़ के जारी। भगवान कन्हैया ने कही आंख बंद कर ले और ब्याल पहुंचे। पंडित मन मन में कहे रही रे हसी है से सोचन लगे आज तो हीरा के जाजरे में फंसी गए। और पंडित जी को आंख बंद करा दिए भगवान कन्हैया ने और एकदम से जाके कुंदनपुर में अलोपा भवानी के मंदिर के पीछे जाके रथ खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया ने कही अब जल्दी जाओ और बिटरिया नहीं पठे दो। पंडित जी एकदम गए तो रुक मेड़ी रो रही थी अपनी सखियों के पास बैठी, और जैसे ब्राह्मण देवता ने खांसा है जाके दरवाजे पर, ब्राह्मण देवता को देखकर रुक्मिणी एकदम हंसने लगी और बोली आली आई गए जी को आई गए जी तो के हमारे प्राणनाथ आए गए। बोली जी तो समय पता है शिशुपाल तीन दिनों पहले के आए गए। रुक्मिणी मन ही मन में कहे आली शिशुपाल ना आए हमारे प्राणनाथ तो अब आए हैं। पंडित जी ने कही सुनो अलोपा भवानी के मंदिर के पीछे रथ ठाड़ो। रुक्मिणी बोली पंडित जी कितने लोग आए हैं? जे कही कितने लोग? चार घोड़ा एक रथ और खुदाई आकन वालों शिव शरीर की सौगेरा में सौदा है, इतने लोग आए। रुक्मिणी सोचन लगी अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम तो भगवान कन्हैया के पास पहुंचने।
बोली जल्दी जाओ मंदिर में पूजा के बहाने से रुक्मिणी और वहीं भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं और बोले पंडित जी के भोजन करवा। बोली बोली पंडित जी अब तुम हमारी सास के घर आना तब हम तुम्हें द्वारिका में भोजन कराएंगे। अब पंडित जी चलो जाओ ना बिहारी भैया आ जाएगा कि तुम से और रुक्मिणी अपनी मैया के पास गई है। बोली मैया ऐसा मन कर रहा है कि तेरे गले से लग के मैं बहुत रो रहा हूं। मैया कहने लगी बेटी आवे मत रो अब ही तो दो दिन आए तब तब तो भाई रो रो के आंखें सूज जाए। रुक्मिणी कहने लगी ना मैया वो रो ले तुम जे ही जानियो हम आज ही जा रहे रहे मैया को का पता गज बिटिया का रचना रच रही है। बोली मैया मुझे आज्ञा दे दो मैं अलोपा भवानी के मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। मैया ने कहा ठीक है बिटिया जल्दी जाओ और जल्दी आइयो आज चार पांच सहेलियों को संग किया है और रुक्मिणी अलोपा भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई है। भक्तों की दुर्गा